हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा का जायका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ मेरी एक फेवरेट रेसिपी, और वो है सूरत के फेमस पोंक वड़ा, जो सिर्फ विंटर के सीजन में ही बनाए जाते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले छोटा सा म्यूजिक सुन ले, लेट्स गो। पोंक वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ज्वार का पोंक लिया है। ज्वार का पोंक सिर्फ दिसंबर और जनवरी में मिलता है। देखिए, ये कुछ इस तरह से होता है। ये टेंडर ज्वार होती है, मतलब कि ज्वार जब कच्ची होती है तब उसको निकालकर हल्का सा गर्म करके उसमें से पोंक निकाला जाता है। इस पोंक को मैंने 2 से 3 बार फ्रेश पानी से वॉश कर लिया था और उसके बाद पानी निकाल दिया था। इसके बाद ही इसको यूज़ करनी है, ताकि ऊपर जितना भी कचरा है वो निकल जाए, और पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसमें से 1/3 कप हम साइड पर निकाल लेंगे और बाकी की मिक्सर जार में ऐड करेंगे। इसके साथ साथ ऐड करेंगे सबसे ज़्यादा हेल्दी और मेरा फेवरेट धनिया के डंठल, नियर अबाउट 1/2 कप। अब ऐड करेंगे अदरक। अदरक यहाँ पर ज़्यादा लेना है, नियर अबाउट 1 इंच जितना टुकड़ा लेना है। हमारे वड़ा को एकदम स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे तीखी हरी मिर्च, 8 से 10 कड़ी पत्ता लेंगे। अब इसको पल्स मोड पर चलाते हुए कोर्सली ग्राइंड करेंगे, इसकी फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। अब उसी जार में ऐड करेंगे चना दाल। ये 1/2 कप चना दाल को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था और फिर उसका पानी निकाल दिया था। फ्रेंड्स, कई जगह पर चना दाल की जगह खमण को क्रम्बल करके डालते हैं। अगर आपके पास रेडी खमण है तो आप उसको भी ले सकते हो, तो आपको चना दाल को स्किप करना है। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कट की हुई हरी मिर्च, 1/2 कप स्प्रिंग अनियन, और उसके साथ साथ 1/2 कप उसका जो व्हाइट पोर्शन होता है, दोनों को बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, यहाँ पर मैंने हरे लहसुन का यूज किया है। फ्रेंड्स, अभी विंटर का सीजन चल रहा है और जितनी हरी सब्जियाँ आप इसमें यूज करोगे उतना ये ज्यादा टेस्टी बनेंगे। 1/2 कप हरा लहसुन और ढेर सारा धनिया, 1/2 कप बारीक कट किया हुआ प्याज, और जो पोंक हमने साइड पर रखे थे वो ऐड करेंगे। हम इसमें ड्राई मसाले कम से कम यूज करने वाले हैं, इसीलिए अदरक और लहसुन का फ्लेवर ज्यादा रहता है। ड्राई मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, उसको रफली क्रश कर लेंगे। अब रेगुलर मसाले ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ हिंग और 2 टेबलस्पून चीनी। वैसे देखा जाए तो पोंक की अपनी नेचुरल स्वीटनेस होती है, लेकिन थोड़ी सी चीनी डालने से ये सुपर टेस्टी लगेंगे। और 1 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे और उसके बाद सारी चीज़ों को मसल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, पोंक वड़ा बनाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग इसमें खमन डालते हैं, तो कुछ लोग इसको फर्मेंट करके भी बनाते हैं, लेकिन मैंने जितने भी बार ट्राई किया मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगा। और दूसरी ज़रूरी बात, इसमें कम से कम मसाले डालने हैं, क्योंकि इसमें मेन टेस्ट पोंक का रहता है और उसके साथ अदरक और हरे लहसुन का, तो ये बात खास ध्यान में रखनी है। सुपर, देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी ये एकदम बिखरा बिखरा सा लग रहा है, तो बाइंडिंग के लिए और टेस्ट के लिए हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, और हमारे वड़ा को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून चावल का आटा। देखिए, इस तरह से
इसको मत लेना है ताकि ये थोड़ा फ्लफी हो जाए, तभी ये अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। परफेक्ट। अब ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून एकदम गरम तेल, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और आधे नींबू का रस। अब इसको स्पैचुला के हेल्प से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से बाइंड हो चुका है। अगर यहाँ पर आपको बाइंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा चावल का आटा या फिर बेसन ऐड कर सकते हैं। अब एक वड़ा डालकर चेक कर लेंगे। परफेक्ट। देखिए अब सारे वड़े ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, वड़ा फ्राइंग पैन में डालते वक्त गैस का फ्लेम हाई रखना है। और उसके बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और उसको अच्छी तरह से कुक होने देना है। अगर आप हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। हमारे वड़े फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम इसके साथ सर्व की जाने वाले इसके स्पेशल चटनी बना लेंगे। उसके लिए एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और 1 तीखी हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 कप हरा लहसुन, 1/4 कप फ्रेश पुदीना, हैंडफुल ऑफ फ्रेश धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चीनी और इस चटनी की जान और वो है 2 टीस्पून बेसन के सेव, 1 नींबू का रस डालेंगे। अगर आपके पास सेव नहीं है तो गाठिया भी डाल सकते हैं और खमन भी डाल सकते हैं। और उसके साथ 2 आइस क्यूब्स और 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए, हमारे वड़े भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और हमारी चटनी भी रेडी है, फटाफट सर्व कर लेंगे। तो तैयार है हमारे एकदम फ्रेश और हेल्दी पोक वड़ा। इसके साथ सर्व करेंगे उसके स्पेशल चटनी और फ्राइड हरी मिर्च और साथ में मसालेदार गर्मा गर्म चाय। फ्रेंड्स, ये पोक वड़े ना एकदम फ्लेवरफुल बने हैं। देखिए, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लेवरफुल। फ्रेंड्स, विंटर के लिए ये परफेक्ट प्लेटर है और सुपर डुपर टेस्टी है। तो इस रेसिपी को इस विंटर में ज़रूर ट्राई करना और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी।